जिप्सी के लिए तो बहुत इजी था, डिफेंडर में थोड़ा सा डर लगता है यार। यहाँ पे हम लोग मैगी बनाने वाले थे लेकिन ये गैस चल ही नहीं रहा, लॉक ही नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आपने स्टार्टिंग क्लिप्स में जैसे कि देखा होगा, मैं बाइक लेके निकला था। एक्चुअली ना सुबह सुबह जिप्सी मामू लेके गए थे क्योंकि बारिश पड़ रही थी और जो मेरी बहन है सना उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाना था ना, तो मामू जिप्सी लेके निकले, ठीक है। और जिप्सी थी ओल्ड मनाली में, इसीलिए मैं बाइक लेके निकला और बाइक मैंने छोड़ दी है ओल्ड मनाली में और मैं निकला अभी जिप्सी लेके। और अज्जू भाई वगैरह मेरे वेट कर रहे हैं, आज के हमारे एक्सट्रीम प्लान्स है। पहले सोच रहे थे हम सिर्फ डिफेंडर लेके जाएंगे लेकिन भाई शॉर्ट्स अगर अच्छे से लेने ना तो दो गाड़ी कम से कम होनी चाहिए, तो इसीलिए हम जिप्सी को भी लेके जा रहे हैं और डिफेंडर को लेके वो आ रहे हैं। अज्जू भाई मैंने बोले काम करो, मैंने कहा आप निकलो वहां से और बशी चौक में मेरे को मिलो, वहां पे मिलते हैं क्योंकि मैं ऊपर जाऊंगा फिर नीचे आऊंगा, टाइम वेस्ट है। तो वो आ रहे, मिलते हैं, चलते हैं एक्सट्रीम डे को स्टार्ट करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते हैं आज की ब्यूटीफुल डे की शुरुआत, लेट्स गो। और पता है इतनी मुश्किल से मैंने बाल सेट किए थे सुबह ना, हेलमेट लगाया सारे बाल खराब हो गए, छोटे बालों से प्रॉब्लम है यार, लंबे बाल होने के बाद बांध के रख दो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चाहे हेलमेट पहनो खोलो बांधो ठीक है, छोटे बाल से तो प्रॉब्लम है सेटिंग में, लेकिन आदत हो गया मेरे को कोई चक्कर नहीं। और भाई इतना क्राउड है ना मनाली में, भाई बाइक में ट्रैफिक लग गया था इतना, और यहाँ क्राउड क्राउड पे आगे और दिखाता हूँ आपको भाई, बहुत लोग है मनाली में, टूरिस्ट मतलब आना स्टार्ट हो गया, सीजन स्टार्ट है। तो यार हम लोग ना काफी देर से लेके परमिट निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो हुआ नहीं और फ्यूल अप करने के लिए मैं चला गया था एंड अज्जू भाई निकल चुके हैं काफी ज्यादा आगे। पकड़ पाएंगे हम उनको आराम से इस हिसाब से चल रहे हैं। डिफेंडर को पकड़ पाएंगे गाइस हम जिप्सी में, देखो। और इस बंदे ने देखो आगे क्या लगाया हुआ है, देखो स्पाइडरमैन छत के ऊपर, देखो ना गिरेगा नहीं वैसे, हम लोग ना निकल चुके हैं रोहतांग पास के लिए, लेकिन ऑफिशियली अभी तक जैसे कि आपको मैंने बताया मड़ी खुला है, बट ट्राई करेंगे हम लोग रोहतांग जा पाए। थोड़ी देर पहले मौसम बहुत ज्यादा खराब था, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। हाँ जी, मौसम कैसी रही आपकी रात, नींद अच्छी आई? नींद यार बढ़िया, क्यों नहीं आई नींद, एडिट कर सो गया। एडिट कितने बजे किया आपने? रास्ते बंद है, बहुत अच्छा काम किया नहीं गया क्योंकि यार 12 लाख के पास में आधा एक फुट बर्फ पड़ चुकी है, फंस जाते जाने नहीं दिया। बाकी चलते ऊपर और रोहतांग पास जाके देखते, ट्राई करते रोहतांग पास जाने दिया। वैसे हमारा प्लान था हम लोग जाने वाले रोहतांग पास, लेकिन वहां के लिए ना अलाउ नहीं कर रहे और मड़ी तक जाएंगे, मड़ी तक की परमिशन है, वहां तक जाने भी दे रहे हैं, बट वही है यार वहां जाने का पॉइंट क्या बनता है। आप लोगों को मेन था बर्फ वगैरह दिखानी है हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन वहां पे उतनी बर्फ है नहीं, वो बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं हो जाती कि साइड में थोड़ी सी पड़ी हुई है वो एंजॉय कर लो, वो बात हो जाती है, तो हम लोगों को भी उस चीज में मजा नहीं आएगा, आप लोगों को भी मजा नहीं दिला पाएंगे। तो व्यू हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स भी ले रहे हैं। तो अपनी फेवरेट जगह पे आ गया जहाँ पे अनन्या भाई मैंने रील बनाई थी, यहाँ पे आपको याद है मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी हार्ले में, वो यहीं पे बनाई हुई थी। और कैसी लगी आपको लोकेशन? है लोकेशन बहुत प्यारी थी, लेकिन आपको ड्रोन अब नहीं उड़ रहा। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मड़ी नहीं जा रहे हम लोग क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम और आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा, हमको भी मजा नहीं आएगा, बर्फ है ही नहीं। तो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हमने उस दिन की हुई थी अपनी बीच के साथ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नीचे हमने नदी में ऑफ रोडिंग की थी थोड़ी सी, तो अभी हम इसके साथ भी और डिफेंडर को भी लेके जाएंगे और कुक कर लेंगे कुछ ना, हाँ, कुछ बना लेंगे वही। चलिए लेट्स गो। भाई लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे ना पानी उस टाइम आपको पता है कम था, अब पानी को कितना ज्यादा बढ़ गया, लास्ट टाइम कम था पता है अब पानी बढ़ गया, लास्ट टाइम हम यहाँ से जिप्सी लेके थे वहाँ ऊपर चढ़ा दी थी, अभी भी चढ़ाऊंगा मैं, आज पानी ज्यादा है गाइस, उस टाइम एक्सट्रीम नहीं होता, आज ज्यादा एक्सट्रीम करेंगे। वैसे बढ़िया लग रही है यार, और इसमें व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और बात है भाई, नंबर दिखता है सीधी सी, गाड़ी में नंबर अच्छा हो ना गाड़ी अच्छी ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है। पहले हम लोग ऑब्स्टेकल करने वाले अपनी बीस्ट के साथ क्योंकि डिफेंडर के साथ रिस्क नहीं लेना है, और मैंने पहले ये किया हुआ ना ऑब्स्टेकल तो मेरे को पता है कहाँ से डालनी है, तो मेरे को देख देख के अज्जू भाई भी डाल देंगे। और हम आज पता क्या कर रहे हैं, रील के लिए भी एक बंदा ले रहा है और व्लॉग के लिए अलग ले रहा है, चार चार कैमरे हमारे पास भाई, और कम पड़ेंगे तो और बंदे बुला लेंगे।
पूरी लेफ्ट कर दो, पूरी लेफ्ट, चलो चलो चलो, गाइस जिप्सी के लिए तो बहुत इजी था, डिफेंडर में थोड़ा सा डर लगता है यार, लेकिन कैपेबल बहुत है गाड़ी भाई, देख रहे हो। वेरी इजी, वेरी इजी, लेफ्ट पूरी लेफ्ट, अभी हमारा प्लान बना हुआ है, कैंपिंग का सारा सामान पड़ा है ठीक है, और खाने वगैरह के लिए हम लोगों ने मैगी लाई हुई है, तो बढ़िया करके मैगी बनाते हैं। क्या चाय बन जाएगी पर मीठा नहीं है, अदरक नहीं है। अच्छा तो मीठी चाय नहीं होगी, नहीं चाय मीठी नहीं होगी, पर मैगी बन सकती है, मैगी बना देते हैं, मैगी बना लेंगे, इसका सामान अलग से निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे, बाकी आशुमा फंस गया, देखो लेने के लिए जा रहे हो। वैसे चेयर की जरूरत नहीं है बताइए, ये तो सिर्फ फोटोज वगैरह के लिए अच्छी आएगी, ऐसे पत्थर के ऊपर भी बैठ सकते हैं आराम से। बाकी आज का दिन काफी अच्छा था यार, मतलब हमारा प्लान वही था, बर्फ में जाएंगे, डिफेंडर को बर्फ में ले जाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन फायदा ही नहीं है। वो देखो ये रहा आपका रोहतांग पास ऊपर, और बर्फ ही नहीं है देखो, इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा जिप्सी को हमने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ था, डिफेंडर को भी हमने कहा टेस्ट कर लेते हैं। वो जूते गीले हो गए, जूते गीले हो गए, अभी हमने ना डिफेंडर खोली, मैं बोल रहा था पीछे बहुत बूट स्पेस है, और जो मैंने नीचे से खोल दिया। हाँ कॉफी पी सकते हो, हाँ बट ब्लैक, ब्लैक चलेगा, हाँ चलेगा, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल ब्लैक कॉफी चलेगी ना यार, बूट स्पेस देखो अंदर कितना ज्यादा है। अजू भाई के पास भी सेम इसी तरह ये वाला ड्रोन है, DJI का FPV, बैग देख रहे हो कितना बड़ा है भाई, ये देखो इतनी बड़ी अटैची है, मतलब अगर मैं अपनी उसके लिए मंगाता हूँ ना तो इतनी बड़ी अटैची मंगानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल काम है भाई। आप संभाल कैसे लेते हो इतनी बड़ी अटैची? अटैची भाई गाड़ी में चलता हूँ ना यार, और फिर पता क्या है वैसे लिकाड़ने में और बैग में रखता कैसे इसको? हाँ मुश्किल है, इसको कैरी करना मुश्किल है, थोड़ा ये और इसको असेंबल करना और उड़ाना बहुत भारी काम, बहुत भारी काम है, इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा लिया था, मतलब मेरे को भी एक मिनी 3 Pro लेना ही पड़ेगा भाई, बहुत मैं इसको यूज नहीं कर पाता, मैं भी नहीं करता हूँ, पता क्यों? क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो, जब ड्राइव कर रहे हो ना, आपके पास 10-15 मिनट होते हैं, उसमें आप इसको असेंबल कर लो या उसको टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाता है, और उससे शॉर्ट्स भी उतने नहीं आते, इससे शॉर्ट तो आते पर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, वो सोचता स्टेबल नहीं है, और दूसरी चीज है जब तक ये उड़ेगा लोगों को पता चल जाएगा साउंड से, जैसे आपने देखा होगा हमने ले में वहाँ पे स्टॉक में हम लोग FPV उड़ा रहे थे भाई, इतना साउंड था उसका कि वो वहाँ से आ गया बंदा बोलने के लिए, अगर इसकी जगह मिनी 3 Pro होता ना पता भी नहीं चलता कि उड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग मैगी बनाने वाले थे लेकिन ये गैस चल ही नहीं रहा, लॉक ही नहीं हो रहा है, अनलॉक लॉक, प्लान ना कैंसिल करना पड़ गया हम लोगों को मैगी बनाने का, क्योंकि गैस लॉक ही नहीं हो रहा है, अब सबसे पहले हम लोगों को जाके ना किसी गैस वाले के पास ले जाना पड़ेगा, इसको ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि अज्जू भाई वगैरह को कल निकलना है अपनी ट्रिप पे, और शुक्र है पहले पता चल गया, अगर रास्ते में पता चलता तो प्रॉब्लम हो जानी थी, और मैगी का प्लान कैंसिल और रास्ते में जाके खाएंगे कुछ, भूख लग रही है यार, 5:30 हो गए, लंच का टाइम हो गया है यार, आज पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है पता है, देखो पिछली बार जब हम आए थे लास्ट टाइम उस टाइम कम था, हम लोगों ने ना अभी ट्रैफिक के चक्कर में गाड़ी भगाई हुई थी, क्योंकि पता क्या होता है मार्केट से लेके यहाँ तक बहुत लंबी लाइन लगती है, तो बेटर है जितनी आगे निकलो उतना अच्छा है, और लंच का टाइम हो गया है इसलिए हम लोग जा रहे हैं क्यारो हाउस, आपको आज बढ़िया खाना खिलाता हूँ, हाँ ये क्यारो हाउस है, पहले हम लोग ना अंदर बैठे हुए थे लेकिन लाइट चली गई और अंधेरे में क्या खाना खाना है, इसलिए हम लोग बाहर आ गए, और बाहर आके बढ़िया मौसम भी पूरा पैक हो गया है, हम लोग ना खाना खा के निकल चुके और बारिश हो चुकी है स्टार्ट, वैसे मेरे को लग नहीं रहा कल आप लोगों का जाना हो पाएगा, लेकिन हम तो प्रे ही कर सकते हैं एकदम साफ है, उम्मीद पे सब कुछ कायम, हम भी उम्मीद पे लगा रहे हैं, बाकी हम लोगों को मार्केट जाना है थोड़ा सा काम करने के लिए ना, तो डिफेंडर यहीं रहेगी और जिप्सी में निकलेंगे, अभी हम लोगों ने ना डिफेंडर पार्क कर दिया वहीं पे, क्योंकि मार्केट तक जाना था और डिफेंडर को लेके जाना मतलब थोड़ा टास्क ही है, इसलिए जिप्सी में जा रहे हैं, छोटे पड़ेगा इतने ट्रैफिक में और क्राउड है मनाली में, आवाज करती है जब वो पी का 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 किस तरफ से आवाज करती हो, सेंसर है उसमें जैसे मान लो इस तरह प्रॉब्लम इसी स्पीकर में से आ जाएगी, अच्छा मतलब यहाँ से अगर कुछ जा रहा है चिपके तो साउंड यहाँ देखो वो ऐसे आएगा की यहाँ से आता चलता हुआ जैसे साउंड वाला, समझ गया, इसीलिए हम लोग जिप्सी लेके जा रहे हैं, और छोटा मोटा काम है हम लोगों को ना, वो गैस ठीक करवाना था, ऊपर से स्क्रू ड्राइवर लेना है वो उनके उसके लिए प्रोपेलर खोलने के लिए, और छोटे मोटे और भी काम होंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जंग लड़नी पड़ रही है ट्रैफिक के साथ। फिर अभी हम लोग पहुंच चुके डिफेंडर के पास, बाकी आप लोग निकल रहे हो, आज का दिन बहुत अच्छा था लेकिन, और आगे की सीन्स आपको अजूबे के चैनल पे देखेंगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ कल के बाद क्या है, वो तो पता ही लगेगा, एक्सट्रीम भाई बताएंगे, आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ मुझे फोन करके अजूबा ये हो रहा है, अब करो ये, अब नहीं करना है ये मत करो, लेकिन सीन्स मैं बताऊंगा, सीन्स आपके वही पता चलेगा, देख लेना कल, लेकिन रिस्क मत लेना, रिस्क नहीं लेना है,
वो कहते हैं ना कि रिस्क और रिस्क लेना चाहिए, हम नहीं लेंगे, हमें रिस्क भी नहीं लेना है ना रिस्क लेना है। मेरे को बोलो मैं फंसा हुआ था मेरे टाइम में, तो आपने देखा इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में ये फंस रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा। मैं फंसा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क मत लेना, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में फंस चुका हूँ। ये हालत दिख रही है आपको मेरी। Minimum stress, that's your best, classic dress.